हेलो गाइस, वेलकम टू जीके पाठशाला। आज आप करन जा रहे हैं परमोटेशन ते कम्बीनेशन। परमोटेशन कम्बीनेशन पर रहेंगे। पहले सब तो पहला है अपने लिए कम्बीनेशन फॉर्मूला। एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला याद रखना भी सोनू। ये डेफिनेशन की है, कम्बीनेशन इज अ ग्रुपिंग ऑफ आउटकम्स इन विच द ऑर्डर डज नॉट मैटर। डेफिनेशन की है, क्या कंबीनेशन होगा ग्रुपिंग का। कोई भी ग्रुपिंग सिस्टम है, मान लो वूमेन्स या मैन गिवन, आप उन्हें कमेटीज बनानी ने, कोई ऑर्डर नहीं मैटर करता किन्ने आउटकम्स नाल आप उन्होंने कमेटी बना सकते हैं। फॉर्मूला की है एन सी आर का, एन की है टोटल नंबर ऑफ कंबीनेशनस ने, आर जिहड़े आप चूज करने एन फैक्टोरीयल पाउन आर फैक्टोरीयल एन माइनस आर फैक्टोरीयल। तो परमोटेशन, ये परमोटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ आउटकम्स इन विच द ऑर्डर डज मैटर। परमोटेशन के की है ऑर्डर मैटर करता है। इस तरह आप अरेंजमेंट्स देखने, नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स चूजन आर एट अ टाइम इज फाउंड यूजिंग एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल पॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने। नैक्सट वन है इंपोर्टेंट फॉर्मूला। इंपोर्टेंट फॉर्मूले परमोटेशन की कंबीनेशन प्रॉपर्टीज ने बहुत थान पर यूज होंगी है। जिमें फस्ट प्रॉपर्टी है एन पी आर इक्वल टू एन सी आर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। सैकेंड प्रॉपर्टी एन सी एन माइनस आर बराबर होंगी एन सी आर दे। देखो ये प्रॉपर्टी की सैकेंड प्रॉपर्टी मतलब की है, जिमें भावें फाइव सी टू ले लो, फाइव सी टू बराबर होगा फाइव सी थ्री दे। ये प्रॉपर्टी में दोनों आंसर बराबर होगा। अपना हमेशा स्मॉलर वाला लैके चलेगा, इन छोटे सोल्व करना ईजी रहता। इस तरह ही एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन ये बराबर होंगे एन प्लस वन सी आर दे। यदि भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जिमें फाइव सी फोर है प्लस फाइव सी थ्री बराबर होगा सिक्स सी फोर दे। इन आप भी पहला फॉर्मूला ला के सोल्व कर लें, एन फैक्टोरियल माना एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। कंबीनेशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन एन सी आर। कंबीनेशन की है, नंबर ऑफ सिलेक्शन है आर ऑब्जेक्ट्स की, आप एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को किमें सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज वन। जब नंबर ऑफ सिलेक्शन आर ऑब्जेक्ट्स की एन आइडेंटिकल हमेशा सर की होंगी है वन होंगी है। परमोटेशन की होंगे, फस्ट कंडीशन है इफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, सारे अलग अलग हो। नंबर ऑफ द वेज अरेंजमेंट्स पी एलीमेंट्स इज अ रो इज पी फैक्टोरियल। ये की होगा पी फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स। जिम्मे अपने मान लो पांच पार्टिकल्स ने, आप सिलेक्शन करनी है, पहला चॉइस किनी होगा अपने पांच, फिर किनी एक पिक कर लगे जो, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, एक। इस तरह आंसर की आजगा फाइव फैक्टोरियल। इन सम अलाइक सब्जेक्ट्स, किस अलाइक सेम ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते, तो ये नंबर ऑफ वेज की हो गए पी फैक्टोरियल अपॉन जेडे रिपीट हो रहे एम ते, मान लो एम ते एन किने अलाइक ऑब्जेक्ट्स ने, दैन पी फैक्टोरियल डिवाइड बाय एम फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टोरियल। यदि एग्जाम्पल ले सकते हो, जिमें एग्जाम्पल इंडिया, मान लो आप इंडिया वर्ड अपने को, ये भी आप लैटर की अरेंजमेंट्स करनी है, ये परमोटेशन फाइंड करनी है। हम देखो ये लैटर कि एक दो तीन चार पाँच, पांच लैटर्स ने, इनू किस तरह अरेंज कर सकते आप फाइव फैक्टोरियल के हिसाब न। बट ये कुछ क रिपीटड लैटर भी ने, जिमें आई आई ए दो बार रिपीट हो रहा, तो यह डिवाइड बाय की आजगा टू फैक्टोरियल। ये की आजगा ये नंबर ऑफ परमोटेशन। नाउ नैक्सट वन, टू स्पैसीफिक पी एन सी फॉर्मूलास, गैप मैथड तो ब्लॉक मैथड, ये इंपोर्टेंट ने दोनों। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जंबलिंग द लैटर्स इन द वर्ड मिसीसीपी इन विच नो टू एस आर अडजसेंट। हूँ इनू सोल्व करना आप कि मिसीसीपी अरेजमेंट्स कर सकी, तो नो टू एस आर अडजसेंट, एस कट्ठिया नहीं होनिया चाहिए। देखो हूँ इनू किमें सोल्व करा आप, अदर दैन एस सैवन लैटर्स, सैवन लैटर्स ने, अपना इनू किमें अरेज कर सकते हैं, सैवन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल एंड फोर फैक्टोरियल। पी एक पी दो बार रिपीट हो रहा, तो आई चार बारी, इस करके पास टोटल सैवन लैटर्स ने, किन्ने सोल्व करके आज सैवन मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री। नाउ फोर एस कैन बी प्लेसड इन एट पेसिज इन एट सी फोर वेज, तो एस न किस तरह अरेज कर सकते हैं आप एट सी फोर वेज। डिजायर नंबर ऑफ वेज किनिया आएगी मल्टीप्लाई बाय एट सी फोर, इन जो सोल्व करा अपने आंसर आजगा, ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फाउंड बाय लैटर्स ऑफ वर्ड मिसिसिपी सच दैट नो एस आर टूगैदर, कहते कोई भी एस टूगैदर नहीं होनी चाहिए, किन्ने वर्ड बना सकते आप, सोल्व खुद सोल्व करके देखना।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स अलाइक ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ वेज आर एंड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग आर पर्सन इफ ईच पर्सन मे रिसीव एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज एन माइनस आर प्लस माइनस वन सी आर माइनस वन दिस रिजल्ट इज मेजरली अपलाइड इन फाइंडिंग नॉन नेगेटिव इंटैग्रल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन अलाइक सब्जेक्ट्स की आप जो सेम ऑब्जेक्ट्स ने उन्होंने कम भी किमें फाइंड कर सकते हैं आप फॉर्मूला एन माइन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अलग ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्शन किमें करा एम रेज टू पावर एन नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूटिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अमंग एम परसन के अकॉर्डिंग एन ऑब्जेक्ट्स ने तो एम रेज टू पावर एन एक होंगे अपने सर्कुलर अरेजमेंट्स होंगे टेबल के अराउंड पीपल से बैठे वो अरेजमेंट शो करो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेजिंग एन ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्कल इज एन माइनस वन फैक्टोरियल इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेजमेंट्स आर कंसीडर्ड लाइक नेकलेस गारलैंड एटसेट्रा दैन नंबर ऑफ अरेजमेंट्स आर एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू देखो हम समझ आ गया अपने को कहते वैल्यू ऑफ समीशन आर इक्वल टू जीरो टू वन माइनस वन एन सी आर डिवाइड बाय एन सी आर प्लस वन ये सोल्व करके आंसर कटना आप सिंपली एन सी आर का फॉर्मूला लैके इनू सोल्व करा आप देखो हूँ एन सी आर इनू मैं कि किया एन सी आर नीचे लैके चला गया कि वन जो ये वन प्लस एन सी आर प्लस वन आर प्लस वन इज इक्वल टू समीशन वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इनू सोल्व कर लियो बस यार वन अपॉन एन प्लस वन वन प्लस टू प्लस सी शो ऑन द वैल्यू ऑफ यद आंसर कि अपने को एन अपॉन टू नैक्सट क्वेश्चन है कहते इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ अरेजमेंट्स ऑफ थ्री थिंग्स फ्रॉम अ सर्टेन नंबर ऑफ डिसिमिलर थिंग्स द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सेम नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैन एक्सीड्स हंड्रड एंड द लीस्ट नंबर ऑफ डिसिमिलर थिंग्स आप पता करें लीस्ट नंबर ऑफ डिसिमिलर थिंग्स पता करने हूँ ध्यान देखो स्टेटमेंट कहते इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ अरेजमेंट्स ऑफ थ्री थिंग्स मतलब थ्री थिंग्स उन्होंने डिफरेंट अरेजमेंट्स ने फ्रॉम अ सर्टेन नंबर ऑफ डिसिमिलर थिंग्स डिसिमिलर थिंग डिफरेंट अरेजमेंट नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सेम नंबर ऑफ थिंग्स आप सिलेक्शन करनी है सेम नंबर ऑफ थिंग्स की दैम एक्सीड्स हंड्रड है वह हंड्रड तो एक्सीड करके उन्होंने सिलेक्शन दैन द लीस्ट नंबर ऑफ डिसिमिलर थिंग्स आप पता करनी है एटलीस्ट कितनी डिसिमिलर थिंग्स ने उन्होंने इनू किमें करा हूँ देखो एन पी थ्री माइनस एन सी थ्री ग्रेटर दैन किन्ने हंड्रड है एन फैक्टोरियल पाओ एन माइनस थ्री फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल पाओ थ्री फैक्टोरियल एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इन सोल्व करके अपने की आज एन एन माइनस वन एन माइनस टू ग्रेटर दैन वन ट्वेंटी हूँ ये कि वन ट्वेंटी का फैक्टर बना सकते हैं सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर रिलेशन बन रहा देखो उम्मीद कंपेयर करा के दोनों साइड से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सैवन एट सो ऑन क्योंकि ग्रेटर है ठीक है इसलिए इस भी आंसर कितना आ जाओ अपना एटलीस्ट पूछा सी एटलीस्ट लिए आंसर कितना आ जाओ अपना सैवन नाउ नैक्सट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन फोर थ्री टू वन दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स इज आप फोर डिजिट नंबर बनाना है जोड़ा स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन होना चाहिए फोर थ्री टू वन तो कि डिजिट यूज़ करते हैं जीरो टू फाइव डिजिट आप यूज़ कर सकते हैं हूँ देखो इनू किमें सोल्व करा आप हूँ देखो आप बना हूँ अपने वे फोर डिजिट नंबर है फोर डिजिट नंबर है पहली गल तो ये तो ग्रेटर होना चाहिए मतलब आप जीरो ते वन यूज़ नहीं कर सकते टू थ्री फोर ते फाइव उरे कोई भी यूज़ कर सकते हैं ते उरे भी अपना उरे सिर्फ ओनली जा उरे फाइव यूज़ कर सकते हैं आप ठीक है फोर नाल जे आप उरे फोर यूज़ करते हैं फिर इन जीरो वन अरेंजमेंट नहीं यूज़ कर रहे मान लो हूँ सब तो पहले आप फोर ली देख रहे हैं मान लो आप फोर उरे फिक्स करता तो पिछे कितनी अरेंजमेंट्स रही उरे फोर अरेंजमेंट्स पईया अपन लवे ठीक है फोर तो इस तो बाद रहेंगे थ्री दो ये यूज नहीं करनी ये भी ऑप्शन किन्ने रहेंगे थ्री थ्री नहीं टू इनू सोल्व करके आप कर लेंगे फिर एक बार आप फाइव ली अरेजमेंट्स लवेंगे हूँ देखो इनू किमें सब तो पहले स्टार्टिंग विद फाइव फाइव ना स्टार्ट करते हैं तो अपने किन्ने बन सिक्स क्यू बन जूगा हूँ देखो ये जिमें एक दो तीन चार चार लैटर लेने आप फोर थ्री टू वन ये तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए मतलब ये इक्वल भी नहीं होना चाहिए मान लो आप फाइव ना स्टार्ट कर रहे हैं तो कि अरेजमेंट पिछले लैटर किन्ने बच गए छे ने अपने
छे गुणा छे उरे तो आता फिक्स है, फिक्स लेटर अपने लगे, ठीक है। इस तरह 6 क्यूब 216 हो, स्टार्टिंग विद 44। जे मान लो आप स्टार्टिंग करते हैं 44 नाल, ता कि अरेंजमेंट्स बन सकते हैं 6 × 6। जे आप 45 नाल शुरू करते हैं ता भी 6 × 6, ठीक है। जे 43 नाल यूज़ करते हैं आप, 012 नहीं यूज़ कर सकते, 012 यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कितने अरेंजमेंट्स बन जाएंगे, 18। 432 नाल स्टार्ट करते हैं अपना, 2 × 2 आ जूगा, 4 आ जूगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वे सारे आप एड अप कर देंगे, 310 वेज आ गई टोटल। करैक्ट आंसर की है 310। कहते द लास्ट डिजिट ऑफ 1 × 2 × 205 × 500 इज़ ये लास्ट डिजिट पता करना है। हम ये लास्ट डिजिट किमें पता करेंगे, हम अपने ये गिवन है, सब तो पहले लेट कर लिया अपना 4 × तक है, प्लस 5 प्लस ऑन दिस एक ही बराबर होगा 33 दे, प्लस एन इंटीजर हैविंग 0 इन द यूनिट्स प्लेस। ये की होगा यूनिट प्लेस 0 ही होगी, आप 5 के हिसाब से देख सकते टेबल के हिसाब से यूनिट प्लेस 0 होगी। एन इंटीजर हैविंग 3 इन इट्स यूनिट प्लेस। हूँ देखो जिमें अपने 33 है, 33 प्लस कोई भी यह जहाँ डिजिट कर रहे हैं जिसे यूनिट प्लेस 0 है, तो यूनिट डिजिट की आऊगा 3 ही आऊगा ना। एन इंटीजर हैविंग 3 इन इट्स यूनिट प्लेस, एस एन रेज़ टू पावर 500 इज एन इंटीजर हैविंग 1 इन इट्स यूनिट प्लेस। हूँ 3 की पावर 500 लेने आप मान लो, तो ये की बन जूगा 1 बनूगा इन इट्स यूनिट प्लेस। तो यही आप पता करना सी, जे आप 3 की पावर 500 सोल्व करनी हो किमें करोंगे, उन्होंने वह भी 4 नाल डिवाइड डिविजिबल करके उन्होंने रिमाइंडर देख लेंगे, रिमाइंडर के हिसाब से उन्होंने आप सोल्व कर लेंगे। नैक्सट क्वेश्चन है, कहते क्लास ऑफ एन स्टूडेंट्स वी हैव टू फॉर्म अ टीम ऑफ द स्टूडेंट्स इनकलूडिंग एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स एंड आलसो इनकलूडिंग एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द टीम इज़। अपने क्लास लवे टोटल एन स्टूडेंट्स ने, आप एक टीम सिलेक्ट करनी है जिद एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स आप लेने लेने हैं, तो दो आलसो एक्सक्लूडिंग एटलीस्ट 2 स्टूडेंट, घट्टो घट 2 स्टूडेंट्स आप बाहर कर सकते। नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग टीम, अपना टीम बनाने के तरीके देखो, सब तो पहले आप NC2 दो बच्चे तो कंपलसरी ने लेने लेने हैं, फिर NC3 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, सो हूँ N-3 3 बार भी कढ़ सकते हैं, N-2 2 बार भी कढ़ सकते हैं, N एक टोटल नंबर ऑफ केस बन गए। इनू की लिख सकते हैं आप 2^n माइनस NC0 प्लस NC1 NCN-1 प्लस NCN, एक बन गया 2^n माइनस 2 1 प्लस N 2^n माइनस 2N-2 किया गया अपना आंसर, ये देख सकते हो तुम, अब बी ऑप्शन अपना करैक्ट है। नैक्सट क्वेश्चन है, कहते इन एन एग्जामीनेशन ऑफ 9 पेपर्स अ कैंडिडेट हैज़ टू पास इन मोर पेपर्स दैन द नंबर ऑफ पेपर्स इन विच ही फेल्स इन ऑर्डर टू बी सक्सैसफुल, द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन बी अनसक्सैसफुल इज। एक एग्जामीनेशन है, 9 पेपर ने, कैंडिडेट कहते उन्ने पे पास होना चाहिए मोर पेपर चो जिन्हें चो वो फेल होया ताकि वो सक्सैसफुल हो सके। आप पता करना अनसक्सैसफुल होने के नंबर ऑफ वेज किन्ने ने, वो हूँ देखो कैंडिडेट के पेपर ही फी फेल्स 9, 8, 7, 6, 5 पेपर, देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज टू बी अनसक्सैसफुल इज 9C9, 9C8, 9C7, 9C6, 9C5 = 9C0, 9C1, 9C2, 9C3, 9C4। यह फॉर्मूला किया NCR बराबर होंगे NCN-R दे, ठीक है। रिकॉल का कंसैप्ट ऑफ हाफ सी, हाफ सीरीज का कंसैप्ट से हूँ इनू आप सोल्व करा तो की बन जूगा, ये 1/2 NC0 प्लस NC1 प्लस सोन हाफ मल्टीप्लाई 2^9 ये प्रॉपर्टी होंगी है, जो NC0 NC1 प्लस NC1 सोन वो पावर होंगे 2^n होंगे, ठीक है। किमें देखो ये जिमें NC0 प्लस NC1 प्लस सोन चली जाए सीरीज NCN तक, ये हमेशा बराबर होंगे 2^n दे, ये प्रॉपर्टी बहुत थान यूज हो जिमें NC0 9C9 तक जा रही थी, इनू भी लिखता आप 2^9 आंसर किया गया अपना 2^8। नैक्सट सोल्व करोगे 256 किया गया अपना आंसर। ओके गाइज अज तक का सैशन इतने तक, अग अगले सैशन आप कंटिन्यू करा, जो वीडियो वधिया लगी हो लाइक शेयर तो चैनल में सबसक्राइब जरूर करो। थैंक यू गाइज़।